सबसे पहले लेसन की रीडिंग करते हैं, इसमें देखें पेज नंबर 32 पर है, साहसी वल्लभ, इसमें दिया है बात पुरानी है, गुजरात के गांव में वल्लभ नाम का एक बालक रहता था, वल्लभ को पढ़ने का बहुत शौक था, पाठशाला गांव से दूर थी और वहां जाने का रास्ता भी उबड़ खाबड़ वल्लभ उसी रास्ते से प्रतिदिन पाठशाला जाता था। एक दिन की बात है, वल्लभ अपने साथियों के साथ पाठशाला जा रहा था, तभी उसके पैर में नुकीला धब्बा लगा, पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा। अपनी चोट की परवाह न करते हुए उसने निश्चय कर लिया कि आज मैं इस नुकीले पत्थर को निकाल कर फेंक दूंगा। वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा, पत्थर इतनी आसानी से निकल ही नहीं रहा, पर वल्लभ कहां हार मानने लगा, वह उसे निकालने में लगा रहा। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया, वल्लभ के साथी उसे अकेला छोड़कर चले गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, अंत में उसकी हिम्मत जीत गई, पत्थर निकल गया। उसने पत्थर को उठाकर सड़क के किनारे फेंक दिया तथा खाली गड्ढे को मिट्टी से भरकर रास्ते को ठीक कर दिया। उसके पैर से रक्त बह रहा था, वह विद्यालय विलंब से पहुंचा, गुरुजी ने देर से आने का कारण पूछा, वल्लभ ने पत्थर हटाने वाली घटना बताई, गुरुजी गदगद हो गए, उन्होंने वल्लभ को गले से लगा लिया, उसके पैर के अंगूठे पर मरहम पट्टी की और बोले, बेटा सब लोग रुकावटों से बचकर निकल जाने का रास्ता उसने, परंतु तुमने रुकावट डालने वाले पत्थर को ही निकाल दिया, अब उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी रहेगी। वह वाला और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लोग उन्हें लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, वे हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने। इस प्रकार से हमें जो है लेसन को रीडिंग करनी है, पढ़ना है, एक बार दो बार तीन बार लेसन को पढ़ना है। इसके बाद इसमें इसके नीचे जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उनको लिखना है, वो आपको बताया जा रहा है, उबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा, प्रयास, कोशिश, प्रयत्न, विलंब, देर, तर्कद हो जाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, रक्त, खून, तर्वतर, अधिक भीगा हुआ, रुकावट, अवरोध या बाधा। अब इसके नीचे अभ्यास कर जो दिए हुए उसको उत्तर लिखिए, वल्लभ के गांव से पाठशाला तक का रास्ता कैसा था। इस प्रश्न का उत्तर है, वल्लभ के गांव से पाठशाला तक का रास्ता उबड़ खाबड़ था। ठीक है, इस प्रकार से पहले समझ लेते हैं और इसके बाद इसको लिखते हैं। साला जाते समय वल्लभ को क्या परेशानी हुई, साला जाते समय वल्लभ रास्ते में वल्लभ के पैर में नुकीले पत्थर से चोट लग गई। साला जाते समय वल्लभ को रास्ते में नुकीले पत्थर से चोट लग गई। रास्ते में बने नुकीले पत्थर को निकालने का फैसला वल्लभ ने क्यों किया, रास्ते में बने नुकीले पत्थर को निकालने का फैसला वल्लभ ने इसलिए किया क्योंकि वह उस रास्ते से आने जाने वालों के लिए इसके पश्चात देखें अगला जो प्रश्न है, वल्लभ को विद्यालय पहुंचने में देर क्यों होगी, वल्लभ को विद्यालय पहुंचने में देर इसलिए होगी क्योंकि वह रास्ते में पड़े नुकीले पत्थर को निकालने लगा। रास्ते की घटना को सुनकर गुरुजी ने क्या किया, रास्ते की घटना को सुनकर गुरुजी गदगद हो गए और वल्लभ को सीने से लगा लिया। रास्ते की घटना को सुनकर गुरुजी ने क्या किया,
रास्ते की घटना को सुनकर गुरु जी गदगद हो गए और पल्लव को गले से लगा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी प्रश्नों के ऊपर हमें लिखने हैं। तो पहला प्रश्न था पल्लव के गांव से पाठशाला तक का रास्ता कैसा था, पहले से लिखेंगे। का नंबर का प्रश्न है, इसको उत्तर लिखेंगे। पाठशाला तक का रास्ता मतलब के गांव से पाठशाला तक का रास्ता दूर बराबर था। इसके बाद है शाला जाते समय मतलब को क्या परेशानी हुई, इसको देखिए। डॉक्टर आज नंबर क्या है प्रश्न? Thank you.
तीसरा प्रश्न है, रास्ते में गड़े रुपये पत्थर को निकालने का फैसला पल्लव ने क्यों किया? इसके बाद अगला प्रश्न, पल्लव को विद्यालय पहुंचने में देर क्यों हुई?
इसलिए रास्ते की घटना को सुनकर गुरु जी ने क्या रास्ते की घटना को सुनकर गुरु जी के घर हो गए और गलत पुरुष सबसे श्रेय लगाने से लगा लिया। ठीक है, प्राचीन प्रश्न में सरदार वल्लभ भाई पटेल का इस नाम से जाना जाता है। Now, this is the
क्या कैसे कृष्ण उत्तर हो गया उनसे देख लो बल्लभ के नाम से पाठशाला अपना रास्ता जोड़ावर था साला जाते से बल्लभ की पैर में चोट लगी रास्ते में गए मेरे पत्थर को निकालने का फैसला बल्लभ ने इसलिए किया क्योंकि वह आने जाने वालों के लिए रुकावट बन था बल्लभ को साला पहुंचने में देर इसलिए हुई क्योंकि वह रास्ते में गए नुकीले पत्थर को निकालने लगा ठीक है तो इसके बाद है रास्ते की घटना को सुनकर गुरु जी ने कह दिया है इसका उत्तर है रास्ते की घटना को सुनकर गुरु जी गद्दब हो गए और बल्लभ को गले से लगा लिया आखिरी प्रश्न है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर है इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे लेसन को पढ़ेंगे अच्छी तरह से इसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर इन्हें अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है इसके बाद इसके अगले आपको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे